हाँ बच्चों, जय सीएलसी भाई। मैं सुनील सोरान, जूलॉजी फैकल्टी सीएलसी सीकर। मैं यतीन्द्र उपाध्याय, जूलॉजी फैकल्टी सीएलसी सीकर। स्वागत आपका। एक सफर चालू किया था 26 अक्टूबर को यतीन्द्र सर अपन ने, और आज 8 दिसंबर को ये वीडियो आपको शाम को मिल रहा है। तो नो डाउट एक बहुत ही अच्छा सफर चलता आ रहा है और चलता रहेगा। 5 मार्च तक ये कंप्लीट गुरु नीति का कंप्लीट शेड्यूल चलेगा आपके सामने। 180 वीडियो सॉल्यूशन यहाँ आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ठीक है। जो बच्चे रिसेंटली जुड़े हैं, नए जुड़े हैं, या वो स्टूडेंट जो पहली बार आज इस लेक्चर को देख रहे हैं, वो पहले का पार्ट भी जरूर देखें जहाँ हमने क्लासिफिकेशन की बात की है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल की बात की है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इनके विषय में आपको बताएं। आज अपना अगला पार्ट रह गया है यतीन्द्र सर, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड लोकोमोशन, इसका फर्स्ट पार्ट है ये, ठीक है। कितने क्वेश्चन आपको, वो हम लास्ट के लेक्चर के दौरान आपको बता देंगे कि इन दोनों ही पार्ट में मिले कितने क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन क्वेश्चन सारे कंसेप्चुअल होंगे, एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक रहेगा कम्प्लीटली। और मानकर चले टोटली एनसीईआरटी, भगवान ने चाह, बाबा ने चाह, तो 2021 का जो पेपर होगा वो टोटली इस गुरु नीति में से रहेगा, ठीक है। तो आप लोगों के कमेंट्स भी काफी अच्छे आ रहे हैं, काफी अट्रैक्टिव आ रहे हैं, तो नो डाउट थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। शुरुआत करते हैं यतीन्द्र सर, चालू करें जी। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड लोकोमोशन, फर्स्ट पहला क्वेश्चन रहेगा, एनएसीएल एंड यूरिया प्रेजेंट इन टिश्यू फ्लूइड ऑफ किडनी कम फ्रॉम। तो बच्चों को अगर थोड़ा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से इसको अपन बता दें, तो इसके लिए यतीन्द्र सर, जैसे मैंने नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर बना दी, ठीक है, इसको अपन कन्वर्ट कर लेते हैं मार्कर में। ये नेक रीजन हो गया जी, ये इसकी कोयल पोर्शन पीसीटी कहला गया, ये लोपो फैनले कहला जाता है, यहाँ फिर डीसीटी पार्ट हो गया, और ये कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है बच्चों। तो क्या बोल रहे हैं ये कह रहे हैं कि एनएसीएल एंड यूरिया प्रेजेंट इन टिश्यू फ्लूइड ऑफ किडनी कम फ्रॉम, कहां से आते हैं, तो मार्कर का कलर चेंज कर लें, पीसीटी एंड डीसीटी रेस्पेक्टिवली। यूरिया की अगर बात करें तो यूरिया तो कहां से आएगा, कलेक्टिंग डक्ट के डिस्टल रीजन से आएगा यूरिया। इसका मतलब कलेक्टिंग डक्ट तो आना ही आना चाहिए, इसका मतलब इसमें कलेक्टिंग डक्ट नहीं है, यहाँ कलेक्टिंग डक्ट है। फिर कह रहे हैं बाउमन कैप्सूल से एनएसीएल आता है, बाउमन कैप्सूल तो केवल फिल्ट्रेशन का काम करवाता है, और उससे वो मतलब इंटरस्टिशियम में नहीं आ रहा, बिल्कुल ल्यूमेन में रह रहा, तो ये भी गलत हो गया। और यहाँ पर जो है अपना कलेक्टिंग डक्ट आ नहीं रहा, तो ये गलत हो गया, तो कलेक्टिंग डक्ट चला जाएगा। और लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले का भी कौन सा पार्ट, असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले, यहाँ से तो एनएसीएल जो है टिश्यू के इंटरस्टिशियल स्पेस में आएगा, और डिस्टल पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया बाहर की ओर निकलेगी। ये तो निकल गई बच्चों क्या, यूरिया, इसकी तो बात कर लें तो ये तो यूरिया हो गई, और इधर से जो आ रहा है वो कौन सा है, एनए प्लस, और उसके पीछे पीछे फिर सीएल माइनस। मतलब सुनील जी की किडनी का जो मेडुलरी इंटरस्टिशियल है, बिल्कुल, उसके अंदर ये जो यूरिया है और एनएसीएल है वो हायर ऑस्मोलरिटी को मेंटेन की हुई, मेंटेन करता है, क्योंकि कॉर्टिकल रीजन में यदि सर बात करें तो ये ऑस्मोलरिटी 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर थी, बिल्कुल ठीक है, यही यहाँ पर जो है 4 times बढ़ जाती है। मतलब जैसे जैसे अपन नीचे जाएंगे कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ ये बढ़ती जाती है, ये 4 गुना बढ़ जाती है। और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सवाल और भी बनता है कि इनिशियली जो फिल्ट्रेट बना था और फाइनली जो यूरिन बनेगा वो कितना गुना कंसंट्रेटेड कहलाएगा, तो इनिशियली तो वो 300 मिली ऑस्मोलरिटी को रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ से जब वो कहाँ पहुंचेगा, डक्ट ऑफ बेलेनी से होता हुआ माइनर कैलिसेज, मेजर कैलिसेज, वहां जाएगा तो कितना गुना कंसंट्रेटेड हो गया, 4 times कंसंट्रेटेड हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर अपना कौन सा चला गया, लूप ऑफ हेनले। पूछ सकते हैं कि ना विच वन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हायर मेडुलरी ऑस्मोलरिटी। तो एनसीईआरटी का ही स्टेटमेंट है, एनए प्लस हो जाएगा या एनएसीएल कह सकते हैं, एक क्योंकि एक साथ ही जाएगा एनएसीएल एंड यूरिया, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो एक ही क्वेश्चन में हमने जो है 4-5 कांसेप्ट आपको बता दिए हैं जहां से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है। मुकरे नेक्स्ट क्वेश्चन जी यतीन्द्र सर, सेकंड पूछा है कि अगर जो यूरिनरी ब्लैडर है उसकी वॉल से स्ट्रेस रिसेप्टर को हटा दिया जाए तो क्या होगा, ठीक है, थोड़ा सा अगर डायग्रामेटिकली हम लोग देखें तो जैसे यूरिथ जो यूरिनरी ब्लैडर है वॉल के अंदर ये स्ट्रेस रिसेप्टर है, ठीक है, इनिशियल ऑटोनॉमिक सेंसरी न्यूरॉन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, बिल्कुल सही कहा, जैसे ही यूरेटर से यहाँ पे यूरिन जो है इकट्ठा होना शुरू होता है तो इसकी जो वॉल है उसके अंदर एक्सपेंशन होता है और स्ट्रेस रिसेप्टर में स्ट्रेचिंग होती है, ठीक है, और इसके अलावा यहाँ जो इनिशियल यूरिथ्रा से पहले देखें तो एक इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर, ठीक है,
और एक यहाँ पर एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्चर है। ये इनवॉलंटरी क्योंकि स्मूथ मसल से बना है और ये वॉलंटरी क्योंकि स्केलेटन मसल से बिल्कुल वैसे जैसे एनल स्फिंक्टर थे अपने इंटरनल और एक्सटर्नल, वहां भी इंटरनल इनवॉलंटरी था और एक्सटर्नल वॉलंटरी था मतलब स्केलेटन। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, पूछा जाता है ये दोनों ही स्फिंक्चर कैसे नेचर के हैं, तो इंटरनल तो कैसा हो गया इनवॉलंटरी, एक्सटर्नल कैसा हो गया वॉलंटरी। तो सुनील जी जब भी यूरिन काफी अमाउंट में इसमें इकट्ठा हो जाती है तो ये क्योंकि इनवॉलंटरी है तो ये अपने आप रिलैक्स हो जाता है अपने आप, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्टेड है हमारे कंट्रोल में और उस वक्त भी अगर इसको रिलैक्स नहीं किया जाए तो ब्लैडर की वॉल जो है उसके अंदर जो है वो स्ट्रेचिंग बढ़ती चली जाएगी, तब ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर है उनके अंदर जब स्ट्रेचिंग होगी तो उनसे जुड़ी सेंसरी नर्व से इंपल्स यहाँ पे आएगा ठीक है, और फिर इसी स्पाइनल कॉर्ड की हेल्प से इसको मैसेज दिया जाएगा जिससे ये रिलैक्स हो जाता है, ये रिलैक्स हो जाता है और उसके बाद में ये मैसेज ऊपर ब्रेन के अपर कॉर्टेक्स की तरफ जाता है और उस वो वापस मैसेज भेजता है, तो फिर ये वॉलंटरी कंट्रोल एस्टेब्लिश होता है बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर हम लोग इन स्ट्रेस रिसेप्टर को ही हटा दें तो यूरिन इकट्ठा होगा और स्ट्रेचिंग होगी लेकिन स्पाइनल कॉर्ड के पास मैसेज गया नहीं, और अगर गया नहीं तो वापस जो मोटर न्यूरॉन से मैसेज यहाँ आया तो न तो ये रिलैक्स होगा और नहीं ये रिलैक्स होगा और दोनों कॉन्ट्रैक्टेड रहेंगे, कहने का मतलब मैच्योरेशन नहीं हो पाएगा, मैच्योरेशन नहीं होगा बिल्कुल। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर भी कौन सा चला जाएगा, मैच्योरेशन क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। अब इसके साथ ही आगे भी एक क्वेश्चन आएगा तो डायग्राम में अपन लोग समझा ही देते हैं कि मैच्योरेशन के दौरान में मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या क्या होता है, क्या क्या होता है। तो जैसे यहाँ पर अपन देखें डेट्रूसर मसल, डेट्रूसर मसल हो जाती है यूरिन ब्लैडर की वॉल में, डेट्रूसर मसल जी। और ये हो गया यतेंद्र सर स्फिंक्टर, इंटरनल स्फिंक्टर, समझ जाना जी। ये हो गया एक्सटर्नल स्फिंक्टर ठीक है। तो ये अंडरस्टूड है कि अगर यूरिन को बाहर निकलना है तो ब्लैडर की वॉल की मसल को तो कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा, ये तो हो गई कॉन्ट्रैक्ट ठीक है आगे। और जो स्फिंक्टर की मसल है इनको होना रिलैक्स होना है इनको, क्योंकि स्फिंक्टर का मतलब हमने बताया था एक सर्कुलर ये ब्लॉकेज बनता है ठीक है, सर्कुलर मसल्स का ये कॉन्ट्रैक्टेड रहेंगे तो क्लोज्ड रहेगा, और ये मसल अगर रिलैक्स हो जाएंगी सर्कुलर वाली तो फिर ये पाथवे ओपन हो जाएगा, तो इन दोनों को तो रिलैक्स होना है मैच्योरेशन के लिए और इसको कॉन्ट्रैक्ट होना है तभी यूरिन जो बाहर की तरफ पुश होगा, बिल्कुल बिल्कुल ये रिलैक्स होगी, ये रिलैक्स होगी ठीक है जी। अब ये भी बच्चों को याद रखना है कि हायर सेंटर ऑफ ब्रेन किसके रिलैक्सिंग में इन्वॉल्व है जी, तो एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो स्केलेटल मसल है उसको रिलैक्स करने का मैसेज कहां से आएगा, अपने CNS ब्रेन रीजन कॉर्टेक्स रीजन से अराइज होगा, इंटरनल का स्पाइनल कॉर्ड लेवल पे होगा डायरेक्ट हो जाएगा। और सुनील जी डिफिकेशन जो प्रोसेस है जिसमें बॉडी से सॉलिड एक्सक्रीटा को बाहर की जो डाइजेस्टिव सिस्टम के दौरान प्रोसेस देखा था अपने, तो वो उसका कंट्रोल भी बिल्कुल ऐसा ही स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही कहा आपने एग्जैक्टली यही है, और इसीलिए क्योंकि दोनों का कंट्रोल एक तरीके से ही है तो जब भी आदमी सॉलिड एक्सक्रीटा को रिमूव करता है उस वक्त हल्का हल्का यूरिनेशन भी होता है ठीक बात, क्योंकि दोनों का कंट्रोल एक साथ हो रहा है, एक साथ हो रहा है, या जब भी आदमी यूरिनेशन करता है उस वक्त अगर रेक्टम में बहुत ज्यादा सॉलिड एक्सक्रीटा है बिल्कुल, तो आदमी फील करता है कि उसका जो डिफिकेशन की प्रोसेस भी हो सकती है, लेकिन उसको कंट्रोल कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है वो फीलिंग इसीलिए आती है बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा कंसेप्ट था डिट्रूसर इंटरनल एक्सटर्नल स्फिंक्टर कैसा कंट्रोल है, ये कंट्रोल आपको याद रखना है ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, फॉल्स स्टेटमेंट का पता करना है अपने को जी। GFR में हेल्दी इंडिविजुअल इज 180 लीटर पर डे, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि इसको अगर बच्चों को थोड़ा सा कैलकुलेट कर बताएं तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो बनी थी यतेंद्र सर वो 125 ml पर मिनट थी बिल्कुल आया ना जी जी, और इसी को ही मैं हावर में कन्वर्ट कर दो तो 125 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 60 से और इसको 24 घंटे में मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना हो जाए 24 हो जाए, ये लगभग 7500 के लगभग आता है, 24 से मल्टीप्लाई करने पर ये 180 लीटर आ जाता है क्यों जी। तो ये बात तो क्या होगी, 99% ऑफ फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब्ड बाय रीनल ट्यूब्यूल्स, बिल्कुल ठीक बात है। ये जो 180 लीटर यहाँ पर बना है इसमें से 1 to 1.5 लीटर यूरिन ही बन पाएगा, बाकी का 178 या 178.5 लीटर यूरिन रीअब्सॉर्ब हो जाता है किसके द्वारा, रीनल ट्यूब्यूल के द्वारा,
और यहाँ एक और बात याद रखनी है, ये जो 178 लीटर अपन इनको बात कर रहे हैं, इसका भी 80% कौन रीअब्सॉर्ब करवा देगा, अकेला है पीसीटी का इन्वॉल्वमेंट, मैक्सिमम वहां से मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन जो है पीसीटी रीजन से हो जाएगा। तो ठीक है, सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ H+ एंड K+ आयन फॉर मेंटेनिंग आयनिक एंड एसिडिक बेस बैलेंस ऑफ फ्लूइड बॉडी फ्लूइड अकर इन पीसीटी डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। बिल्कुल सही, एनसीईआरटी ने डायग्राम में दिखाया था अभी। बिल्कुल, तो ये जरूरी याद रख लेना कि पीएच बैलेंस के लिए किसका इन्वॉल्वमेंट है, सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ H+ एंड K+ इन यूरिन, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज एंड केटोनूरिया आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलिटस। इंसिपिडस की वजह से ये रोंग होगा, इंसिपिडस की वजह से रोंग होगा, एनसीईआरटी की लाइन है। बिल्कुल, और यहाँ मेलिटस होना चाहिए था, और मेलिटस में क्या हो जाएगा कि यूरिन में प्रेजेंस देखी जाती है ग्लूकोज की, केटोनूरिया की, क्योंकि ब्लड में इनका अमाउंट जो है वो बढ़ जाता है जी, क्यों, कीटोन बॉडीज का लेवल बढ़ जाता है। बिल्कुल, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें, क्वेश्चन नंबर 4। जी सर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ ब्लड डू नॉट नॉर्मली एंटर द नेफ्रॉन ड्यूरिंग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के वक्त, जो है ब्लड का कौन सा कंपोनेंट जो है ग्लोमेरुलाई से इस कैप्सुलर स्पेस में एंट्री नहीं कर पाएगा, आयन करते हैं, वाटर करता है, ग्लूकोज करता है, अमीनो एसिड कर सकते हैं, लेकिन लार्ज जो प्रोटीन है वो नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे यहाँ पर हम लोग देखें कि एल्ब्यूमिन प्रोटीन है वो एंट्री नहीं कर सकता, तो करेक्ट आंसर भी यही चला जाएगा। अगर ये ऐसा कह देते हैं कि इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान प्रोटीन के किसी भी कंपोनेंट का फिल्ट्रेशन नहीं, तब रॉन्ग हो जाता है, स्मॉल प्रोटीन हो सकते हैं, स्मॉल प्रोटीन या अमीनो एसिड फॉर्म आपने बताई, और यहाँ पर एल्ब्यूमिन जैसे तीन प्रोटीन एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन फाइब्रिन हो जाए, उसमें सुनील जी सबसे छोटा एल्ब्यूमिन ही है, ठीक है, और इसका साइज भी जो यहाँ पर फिल्ट्रेशन स्लिट है उतना ही है, ठीक है, वो कर सकता है, लेकिन जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है और ये जो प्रोटीन है दोनों पे चार्ज सिमिलर है, ठीक है, वो रिपेल करता है तो वो फिल्टर हो नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल, यतिंद्र सर ने अभी एक फिल्ट्रेशन स्लिट का नाम लिया है, तो बच्चों को थोड़ा सा बता दें, यहाँ पर ये जो कैपिलरीज पाई जाएंगी यतिंद्र सर जी, ब्लड कैपिलरी, ठीक है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी जिनको कहा जाता है, उनमें स्मॉल स्पेसेस प्रेजेंट होती है, और उसके अलावा बाउमन कैप्सूल की ये इनर लेयर भी अपन ने बताई है जी, इस इनर लेयर में भी स्पेसिफिक सेल पाई जाती है, ठीक है, पोडोसाइट, ये वाली सेल तो क्या कहलागी, पोडोसाइट कहलागी जी, पोडोसाइट, जो अडेप्टेशन है किसका, फिल्ट्रेशन का, और ऐसे ही ब्लड कैपिलरी में जो छोटी स्पेस पाई जाती है ये फेनेस्ट्रा कहलाती है, फेनेस्ट्रा, तो ब्लड कैपिलरी में या ग्लोमेरुलर कैपिलरी में तो फेनिस्ट्रा का पाया जाना, और जो बाउमन कैप्सूल है उसकी इनर लाइनिंग पर पोडोसाइट सेल का पाया जाना, ये एक अडेप्टेशन हो गया किसका, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का, बहुत ही महीन तरीके से फिल्ट्रेशन होता है, फाइन फिल्ट्रेशन ये कहलाता है, इसलिए वर्ड अपने क्या काम में ले लिया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यहाँ पर काम में ले लिया जी, ठीक है, और ये जो पोडोसाइट है ये इन ब्लड कैपिलरी से कुछ साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस के द्वारा अटैच रहती है, और ये जो प्रोसेस होंगे इनके, ये साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस पेडिकल कहलाते हैं, पेडिकल्स कहलाते हैं, यानी उनको कुछ इस तरीके से, जैसे ये ब्लड वेसल है तो इस तरीके से कवर कर लेते हैं, एग्जैक्टली, बीच वाला स्पेस स्लिट हो गया जिनसे वो फिल्ट्रेशन, बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ पर जैसे रेस्पिरेटरी एपिथेलियम बताया था तीन लेयर थी, वैसे यहाँ पर भी तीन लेयर हो जाएगी, कैपिलरी की एंडोथेलियम हो जाती है जी, बाउमन कैप्सूल की पोडोसिटिक लेयर कहलाती है जी, इनर वाली जी, और डिफ्यूजन हो रहा है यहाँ से, तो नो डाउट यहाँ पर स्क्वामस एपिथेलियम की प्रेजेंस देखी जाएगी, ये याद रखना है आपको, तो और बीच में इनके बेसमेंट, तो पोडोसाइट, बेसमेंट मेम्ब्रेन और एंडोथेलियम, बिल्कुल बिल्कुल, तीन लेयर, बिल्कुल, एक स्ट्रक्चर अपने यहाँ भी बनाई है, तो यतिंद्र सर इसको तो आपने बोला था ग्लोमेरुल, ये अपना कहला गया मेन कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल, और दोनों को मिलाकर अगर बोले तो मेलपिगियन बॉडी लिख सकते हैं, हाँ मेलपिगियन बॉडी, ठीक है, तो इन दोनों स्ट्रक्चर को कंबाइनली ये कहा जाता है ग्लोमेरुलाई ब्लड कैपिलरी है, और ये वाला बोमन कैप्सूल हो जाएगा, उसमें लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, मेलपिगियन ट्यूब्यूल लिख सकते हैं, तो हाँ ध्यान रखना है, मेलपिगियन ट्यूब्यूल एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर बन जाता है किसका, आर्थ्रोपोड्स का, कॉकरोच में अपने देखा भी था, चले आगे जी, क्वेश्चन नंबर 5, इफ ए पर्सन ड्रिंक्स एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर व्हिच डिक्रीज ऑस्मोलरिटी ऑफ ब्लड, नो डाउट ऑस्मोलरिटी का मतलब हो गया कि उसकी जो कंसंट्रेशन है उसको डिक्रीज करने का ये काम करेगा, ठीक है, क्योंकि ज्यादा पानी पियेंगे
तो ज्यादा एब्जॉर्ब होगा और ज्यादा एब्जॉर्ब होकर ज्यादा ब्लड का पार्ट बनेगा, तो ब्लड का ब्लड की लिक्विडिटी या लिक्विडिटी तो बढ़ेगी, ऑस्मोलरिटी उसकी घट जाएगी, ठीक है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी रिलीज्ड इनटू द ब्लड, ठीक है, इस समय कौन रिलीज होगा? ऑस्मोलरिटी बढ़ रही है, ऑस्मोलरिटी बढ़ रही है इसका मतलब है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ेगी, वो बढ़ेगी तो यूरिन जो है वो डाइल्यूट फॉर्म में ज्यादा बनेगा। अब यूरिन डाइल्यूट फॉर्म में ज्यादा बनेगा इसका मतलब है यहाँ पर ऑस्मोलरिटी तो कम हो रही है। अब ऑस्मोलरिटी कम हो रही है ऐसी कंडीशन में कौन सीक्रेट होगा यहाँ से? तो एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर जो है इसका सीक्रेशन, ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया है, बीपी बढ़ गया है ना, तो उसको वापस नॉर्मल करना है। बिल्कुल, हेड की वॉल, क्योंकि डाइल्यूट यूरिन ज्यादा बन रहा है, डाइल्यूट यूरिन ज्यादा बन रहा है इसका मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर सर्कुलेशन के द्वारा जब हर्ट के एट्रिया में पहुंचेगा तो हर्ट के एट्रिया इसको डिटेक्ट करेंगे कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, उस समय हर्ट के एट्रिया की वॉल से कौन सीक्रेट होगा? एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर, मतलब ANF, इसको ANF के नाम से भी जाना जाता है। ये सुनील जी डीएक्टिवेट कर देगा RAS सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, बिल्कुल। और अगर ये डीएक्टिवेट हो गया तो जो आपका रेनिन वगैरह रिलीज नहीं होगा, वगैरह भी रिलीज नहीं होगा, तो रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगा। बिल्कुल, तो एक ही चीज याद रखें, रेनिन सीक्रेट होगा तो सिस्टम कौन सा चलेगा? RAS जी, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम ये चलेगा, और इसका अपोज फिर कौन करेगा? एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर करेगा। अगर यही क्वेश्चन यतेंद्र सर होता कि यहां पर ऑस्मोलरिटी डिक्रीज की बजाय ऑस्मोलरिटी बढ़ गई है, एक सेट पॉइंट से एनसीईआरटी की लाइन की बात कर रहा हूं, जो 300 मिली ऑस्मो पर लीटर अगर इससे ज्यादा बढ़ जाती है तो हाइपोथैलेमस के ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे और वहां पर वो रिलीज करवाएंगे फिर ADH का, और ADH डायूरेसिस जो हो रहा है उसको रोकने का काम करेगा, और ADH का नाम ही क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन ये कहलाता है। तब आंसर अपना वन चला जाता, तब वन चला जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, 6। जी सर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट देखना है, लिवर इज एन एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन हेल्पिंग इन द एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट लाइक आपके बाइल पिगमेंट्स, उनको रिमूव करने में ये हेल्प करता है, एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को भी, एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल भी रिमूव आउट होगा। एक्सेसरी मेन कौन सा है? किडनी है, ये सो सहायक बोला है, ठीक है। नेक्स्ट, रिनल कैलक्यूली या किडनी स्टोन जिनको कहा गया है, एनसीईआरटी की लाइन है कि ये इनसोल्युबल मास है किसके? कैल्शियम ऑक्सैलेट के, ठीक है, तो किडनी के अंदर बनते हैं, ये भी सही है। बिल्कुल, फिर लिखा है कि द केमिकल कंपोजिशन ऑफ हीमोडायलिसिस फ्लूइड इज सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट, मतलब हीमोडायलिसिस फ्लूइड जो है उसका कंपोजिशन ब्लड प्लाज्मा की तरह ही है, इसमें ब्लड है और यहाँ पर फ्लूइड है, तो दोनों का कंपोजिशन एक जैसा है, बस इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है, इसमें हीमोडायलाइजिंग फ्लूइड में नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो अब्सेंट है, ब्लड में है, तो वो ब्लड से हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन नाइट्रोजनस वेस्ट फ्री हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, आपने ये वाला जो है वो सही हो जाएगा। अल्कोहल इज एन एंटी डायुरेटिक, नहीं डायुरेटिक, एल्कोहल इंटेक करने से यूरिन आउटपुट बढ़ता है, ब्लॉक करने का काम करता है। जी, तो अल्कोहल हो गया, टी हो गया, कॉफी हो गया, ये कैसे कहलाते हैं? डायुरेटिक, जो यूरिन के प्रोडक्शन को या यूरिन के डाइल्यूशन को बढ़ाने का ये काम करते हैं, और यूरिन का डाइल्यूशन कैसे बढ़ेगा? ये ब्लॉक कर देते हैं किसके सिक्रीशन को? ADH के सिक्रीशन को, क्यों? तो करेक्ट आंसर अपना चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इनकरेक्ट पूछा है अपने को, क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द करेक्ट पाथवे थ्रू विच द यूरिन पास आउट ऑफ द किडनी, और किडनी से इसके एलिमिनेशन की अगर यतेंद्र सर बात करें तो यहाँ अपने को पता है कि क्या पाए जा रहे थे, ये पिरामिड्स, रिनल पिरामिड हो गए, ठीक है, और रिनल पिरामिड के बाद में ये वाला रीजन इसका क्या कहला गया? ये माइनर कैलिक्स, बिल्कुल, और फिर मेजर, और माइनर के बाद में मेजर हो जाता है, यहाँ फनल शेप जो स्ट्रक्चर पाई जाती है उसको रीनल पेल्विस कहा जाता है। इसका मतलब सबसे पहले यूरिन के फॉर्मेशन की अगर बात करें तो यूरिन का फॉर्मेशन ये अपना स्ट्रक्चर आपको बताई दी थी, ठीक है, नेफ्रॉन कहलाई थी, और उसके बाद में ये कलेक्टिंग डक्ट कहलाया था, कलेक्टिंग डक्ट से जो ही रिलीज आउट होगा ये डक्ट में खुलेगा, डक्ट क्या कहलाती है? डक्ट ऑफ बेलिनी कहलाती है, क्यों? तो कलेक्टिंग डक्ट के बाद में डक्ट ऑफ बेलिनी आएगा, और उसके बाद में कौन सी स्ट्रक्चर आती है? रीनल पेपिला, रीनल पेपिला जो ये वाला पॉइंट है, बिल्कुल, जो कॉनिकल पार्ट कहलाता है। और यहाँ पर एक चीज और भी पूछी जाती है सर, ये जो रीनल पिरामिड है इसका ब्रॉड पार्ट तो कॉर्टेक्स की ओर पाया जाता है,
तो ये वाला पार्ट तो इसका कॉर्टेक्स है, ये वाला पार्ट किडनी का मेडुला है। तो इस पिरामिड का ब्रॉड पार्ट तो किधर होता है, रीनल कॉर्टेक्स की ओर, और ये पार्ट किधर कहलाता है, रीनल मेडुला की। ठीक है, तो बिल्कुल रीनल पैपिला। उसके बाद में मेजर कैलिक्स, उससे पहले माइनर आना चाहिए था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मेजर आ गया। उसके बाद में रीनल पेल्विस, जो फनल शेप्ड स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ पर बताई है, और उसके बाद में ये वाली स्ट्रक्चर कौन सी हो जाएगी, यूरेटर हो जाती है। तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। अब ये गलत क्यों है, देखिए आप, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल बिल्कुल ठीक बात है, डक्ट ऑफ एलेनी सही है, रीनल पैपिला सही है, उसके बाद कह रहे हैं मेजर कैलिक्स पहले आएगा ना, पहले माइनर आएगा जी, बिल्कुल। तो ये बात क्या हो गई अपनी, गलत। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल रीनल पैपिला, डक्ट ऑफ एलेनी, माइनर, मेजर, उसके बाद रीनल पेल्विस, लास्ट यूरेटर। ठीक है, इसकी अगर बात कर ले तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल भी बनेगा, फिर रीनल पेपिला पहले दे दिया डक्ट ऑफ एलेनी से, ये गलत हो गया। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के बाद डक्ट ऑफ एलेनी, उसके बाद में मेजर आ गया, फिर माइनर, फिर से गलत हो गया, पहले क्या आना चाहिए था, रीनल पेपिला उधर चला, बिल्कुल बिल्कुल। तो करेक्ट ऑप्शन अपना फर्स्ट चला जाएगा। नेक्स्ट एट, लिखा है कि कुछ एनिमल है जैसे रेप्टाइल है, बर्ड्स है, स्नेल है, लैंड स्नेल है, लैंड स्नेल और इंसेक्ट है, तो इनमें कितने जो है वो मिनिमम लॉस के साथ में यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन कर रहे हैं, मतलब यूरिकोटेलिज्म जिसको अपन बोलते हैं, बिल्कुल, जिसमें मिनिमम लॉस ऑफ वाटर होता है, और ये जो है टेरेस्ट्रियल ड्राई एनवायरनमेंट का अडैप्टेशन है, जिसमें एनिमल एनर्जी को खर्च करके, मतलब एटीपी को खर्च करके नाइट्रोजनस वेस्ट अमोनिया को पहले यूरिया में और यूरिया को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि उनको बचाना पड़ता है वाटर, बिल्कुल। तो वाटर को बचाते हुए, एनर्जी को खर्च करते हुए ये यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं। और इसमें कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे इंडिविजुअल है, एनिमल होते हैं, रेप्टाइल ऐसे होते हैं, ठीक है, बर्ड्स भी ऐसे होते हैं, स्नेल भी होते हैं, स्नेल भी होते हैं, इंसेक्ट भी होते हैं, इंसेक्ट भी होते हैं, बिल्कुल। तो आंसर फोर्थ चला जाएगा। इसमें एक चीज और याद रख लें आप, अगर वाटर अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, जैसे फ्रेश वाटर एनिमल हो गए, तो एलिमिनेशन अमोनिया के रूप में होगा, तब वो एनर्जी बचाएंगे, तब वो एनर्जी बचाएंगे, बिल्कुल। और अगर टेरिस्ट्रियल हैबिटेट आ गई, वाटर की अपन ये भी नहीं कह सकते बहुत ही ज्यादा कमी है, तो उस केस में यूरिया का एलिमिनेशन, जैसे हम लोग, बिल्कुल। और जो एरियल हैबिटेट के जो एनिमल्स होंगे, या कुछ टेरिस्ट्रियल ड्राई कंडीशन में पाए जाने वाले, उनको वाटर कंजर्वेशन की बहुत ज्यादा नीड है, तो वो एनर्जी को कंज्यूम करते हुए फिर वाटर का कंजर्वेशन वो करवाते हैं, और एलिमिनेशन किस रूप में करवाते हैं, यूरिक एसिड के रूप में। अरे ठीक है भाई, चले आगे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है जक्सा मेडुलरी नेफ्रॉन से, दो प्रकार दो टाइप के होते हैं, एक तो कहला गया जक्सा मेडुलरी, एक कहला गया कोर्टिकल, दोनों को हम लोग, बिल्कुल। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से बच्चों को बताएं, जैसे ये किडनी का डायग्राम अपने बनाया, क्यों, और ये इसका रीनल पिरामिड कहलाया था जैसे। अब एक सेक्शन काट लिया मैंने, ये होगा इस सेक्शन को मैंने 90 डिग्री टिल्ट करके, जैसे ऐसे सेक्शन है ना, इसको यो करके दिखा दिया आपने, तो ये तो ये सर आउटर कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स वाला पार्ट, ये वाला रीजन इनर कॉर्टेक्स हो जाएगा, फिर ये वाला रीजन जो है ये अपना मेडुलरी पार्ट हो जाता है। तो मेडुला हो गया रीनल मेडुला, ये कॉर्टेक्स कहला गया, कॉर्टेक्स में आउटर कॉर्टेक्स और ये इनर कॉर्टेक्स। ठीक है बच्चों, अब अपन बात करते हैं दो नेफ्रॉन कौन से, एक नेफ्रॉन तो ऐसा है जिसका बाउमन कैप्सूल आउटर कॉर्टेक्स में पाया जाता है, एक नेफ्रॉन ऐसा है जिसका बाउमन कैप्सूल कहाँ पाया जाता है, इनर कॉर्टेक्स पर। तो आउटर कॉर्टेक्स पर, इनर कॉर्टेक्स पर जी। इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर ये पीसीटी हो गया और ये लूप ऑफ हेनले हो गया, ठीक है, और ये इसका डीसीटी रीजन कहला गया, फिर ये किस में ओपन हो जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में ओपन हो जाता है। यहाँ अगर बात करें तो पीसीटी रीजन, ठीक है, इसको थोड़ा सा अपने को ऊपर बनाना पड़ेगा, क्योंकि पीसीटी कहाँ पाया जाएगा यतेंद्र सर, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स में। तो इनर कॉर्टेक्स रीजन पर बाउमन कैप्सूल हो गया, ये पीसीटी हो गया, लूप ऑफ एनले वेरी डीप इनटू द मेडुला प्रेजेंट होता है यहाँ पर, क्यों, उसके बाद ये डीसीटी पार्ट वापस कॉर्टेक्स में आ जाएगा और फिर ये कलेक्टिंग डक्ट कॉर्टेक्स से मेडुला की ओर रन कर जाएगी जी। तो ये जो नेफ्रॉन होते हैं इनको जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहा जाता है, ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहलाते हैं। मैक्सिमम नेफ्रॉन 85% कौन से होते हैं, कॉर्टिकल होते हैं, जबकि 15% कौन से होते हैं, जक्स्टा मेडुलरी होते हैं जी। और जो यूरिन की कंसंट्रेशन मैकेनिज्म की अगर बात करते हैं तो उसमें इंपॉर्टेंट रोल किसका कहलाता है, जो 15% जक्स्टा मेडुलरी है उनका इंपॉर्टेंट रोल कहलाता है। इसका मतलब जिनकी लूप ऑफ हेनले बड़ी होगी वो कंसंट्रेशन मैकेनिज्म, मतलब ज्यादा कंसंट्रेट कर पाएंगे, और कंसंट्रेशन मैकेनिज्म के लिए जो वर्ड काम में लिया एनसीईआरटी ने वो याद रखना है बच्चों को, काउंटर करंट मैकेनिज्म,
ठीक है, जो डेजर्ट में जो एनिमल हैं उनको वाटर कंजर्व करने के लिए, वाटर कंजर्व करने उनको फैलने काफी लंबे होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अब फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है किसके लिए, उधर वाले के लिए, जक्स्टा मेडुलरी, ये कौन सा है, जक्स्टा मेडुलरी है, कितने होते हैं 15% की पाए जाते हैं, ठीक है। देयर ग्लोमेरुलाई आर प्लेस्ड क्लोज टू इनर मार्जिन ऑफ द कॉर्टेक्स, बिल्कुल ठीक बात है, कॉर्टेक्स का इनर मार्जिन, ये आउटर है, ये इनर है जी, तो ये बात तो ठीक हो जाएगी। लॉन्ग लूप ऑफ हेनले आर प्लेस्ड डीप इनटू द मेडुला, गहराई में प्रेजेंट होता है, एसोसिएटेड विद वासा रेक्टा, वासा रेक्टा इसी से एसोसिएटेड, बिल्कुल, तो उधर वासा रेक्टा मिलेगी, इधर वासा रेक्टा नहीं पाई जाएगी या रिड्यूस हो जाएगी, रिड्यूस हो जाती है। दे आर मोर कॉमन अबाउट 85% कॉर्टिकल का होता है, ये कॉर्टिकल होता है, 15% हो जाता है, कौन, जक्स्ट्रा मेडुलरी। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो अपना क्या चला जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। चले आगे जी, क्वेश्चन नंबर 10 जी सर, इनकरेक्ट देखना है ऑर्गेनिज्म और उनके एक्सक्रीटरी सब्सटेंस के लिए, ठीक है। तो जैसे राउंड वर्म की बात, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर के लिए, राउंड वर्म जो है उसके अंदर एच शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसको रिनेट सेल बोला गया है, तो एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू जो है उनकी बॉडी के बाहर की तरफ ओपन होती है, जैसे एस्केरिस है, इसी एक्सक्रीटरी पोर से बाहर रिलीज हो गया और ये इन्होंने एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन दोनों में एक्ट करती है। इसमें एक चीज हो रही है बच्चों को, जो रेनेट सेल बोला है, एस शेप्ड स्ट्रक्चर है, इसमें दो तो लॉन्गिट्यूडनल कैनाल होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल, एक हॉरिजॉन्टल कैनाल कहलाती है जी। तो ये वाला जो है वो करेक्ट हो गया, प्लेन एरिया प्रोटोनेफ्रिडिया विद फ्लेम सेल भी कह सकते हैं, और फ्लेम सेल, ठीक है, भी सही है, मतलब दोनों ही एक्सक्रीशन विद ऑस्मोरेगुलेशन हेल्प करते हैं, ठीक है, और इसको भी हम लोग प्रोटोनेफ्रिडिया कह सकते हैं। क्रस्टेशियन लाइक कौन, ये ऑर्थोपोड्स में है, एंटीनरी ग्लैंड होती है, ठीक है, इसको ग्रीन ग्लैंड भी बोलते हैं, बिल्कुल ग्रीन ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। और अर्थवर्म जो है सुनील जी, उसके अंदर नेफ्रिडिया हो जाएंगी, तीन टाइप के, बिल्कुल, और मैलपिजियन ट्यूबुल जो है वो आपको ऑर्थोपोड में इंसेक्ट करते हैं, बिल्कुल। तो अर्थवर्म के लिए क्या आना चाहिए था यहाँ पर, नेफ्रिडिया, और नेफ्रिडिया के तीन टाइप आपने बताए, तीन टाइप, एनसीएटी जैसे सेप्टा के ऊपर पाया जाएगा, सेप्टल स्किन में पाया जाएगा, इंटेगुमेंट्री, बिल्कुल बिल्कुल, और एक आपका जो है फेरिंगियल नेफ्रिडिया, जो फेरिंग्स रीजन में प्रेजेंट हो जाएगा। दो टाइप के होते हैं, तो एक्सोनेफ्रिक और एक एंडोनेफ्रिक, हां, जो बॉडी के बाहर ओपन होंगे वो एक्सोनेफ्रिक, और जो एलिमेंट्री कैनाल में ओपन होंगे वो एंडोनेफ्रिक कहलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, फंक्शन नॉट रिलेटेड टू ADH, ADH से कौन सा रिलेटेड नहीं है, इसका मतलब अपने को पता था, इसका नाम एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, ये तो तब सीक्रेट होगा जब डायूरेसिस ज्यादा होगा, इसका मतलब ये डायूरेसिस को रोकने का काम करेगा। अब वो रोकेगा कैसे, परमीएबिलिटी बढ़ा देता है ये डीसीटी रीजन और कलेक्टिंग डक्ट की, ठीक है, वहां पर स्मॉल पोर्स क्रिएट ये करवा देता है, पोर्स की साइज को बढ़ा देता है, जिससे एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगा। फिर वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, ADH जो है ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा, इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, बिल्कुल ठीक बात है, तो बढ़ाने का ये काम करेगा। इंक्रीज द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड देयर बाय वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन भी करवा रहा है, ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करवा रहा है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा है, तो ब्लड फ्लो भी बढ़ेगा, और ब्लड फ्लो अगर बढ़ेगा तो फिल्ट्रेशन भी ज्यादा होगा, फिल्ट्रेशन ज्यादा होगा तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो होती है ये भी बढ़ेगी, नो डाउट, सही बात है। द रिलीज ऑफ ADH इज ट्रिगर्ड व्हेन द ऑस्मोलिटी ऑफ ब्लड बिकम लेस देन, ना ADH तो तब रिलीज हुआ था जब ऑस्मोलिटी बढ़ेगी, बढ़ गई थी, ठीक है, इंक्रीज हो जाती है एक सेट पॉइंट से, 300 मिली ऑस्मोल से ज्यादा हो जाती है, तो वो जो लेस आया है ना, उस लेस की जगह, लेस की वजह से, लेस को गोला कर देते हैं वहां पर, इसकी वजह से रोंग हो गया, रोंग ही पूछा है अपने से, तो आंसर ये चला जाएगा। चौथा और देख लेते हैं, ADH मेक्स द डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट मोर परमेबल टू द वाटर, ये पहला स्टेटमेंट अपना कह रहा था, सही है, एक्वापोरिन बना देते हैं, एक्वापोरिन, जो स्मॉल पोर्स बनते हैं वो एक्वापोरिन कहलाते हैं। नेक्स्ट 12, करेक्ट फंक्शन देखना है मसल जो मिक्चुरेशन में इन्वॉल्व है, बता चुके हैं शुरुआत में, ठीक है, मतलब डेट्रूसर मसल जो डेट्रूशन करती है, ठीक है, यूरिन को पुश करती है, तो ब्लैडर की वॉल वाली कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, और स्फिंक्टर मसल में रिलैक्सेशन हो जाएगा जी, तो डेट्रूसर मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर ये रिलैक्स हो जाएगा, यहाँ इंटरनल स्फिंक्टर तो कॉन्ट्रैक्ट बोला है, ये गलत हो गया, यहाँ डाल्टोज मसल, ये डाल्टोज मसल तो स्क्रोटम से रिलेटेड थी जी, बिल्कुल, जो टेम्परेचर रेगुलेशन करवा रही थी स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, जो जरूरी स्पर्मेटिक कॉर्ड के साथ है ना, बिल्कुल की तरफ पुश कर, तो ये किसे स्क्रोटम से रिलेटेड है, एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ये भी स्फिंक्टर की दोनों ही मसल रिलैक्स होते हैं, रिलैक्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ब्लैडर की वॉल, बिल्कुल, और ब्लैडर की वॉल डिट्रूसर कहलाती है, पहले बता दिया आपको। 13,
इफ द पीसीटी लाइन बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रस्ट बॉर्डर एपिथेलियम, ये टाइप आपको याद रखना है जो हिस्टोलॉजी के दौरान हमने बताया भी था आपको, इज कट फ्रॉम ए नेफ्रॉन, हाउ विल इट अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। अगर ये सिंपल क्यूबॉइडल ब्रस्ट बॉर्डर जो है ना वो एक अडेप्टेशन है किसका, मोर रीअब्सॉर्प्शन का, क्यों तो यूरिन फॉर्म्ड विल बी मोर डाइल्यूट क्योंकि पीसीटी के इस पार्ट को हटा दिया और ये मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन करवा रहा है 70% के बिल्कुल, तो वाटर रीअब्सॉर्ब हो ही नहीं पाया तो ज्यादा डाइल्यूट यूरिन जो है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। अपने को पूछा क्या है, हाउ विल इट अफेक्ट, तो यूरिन फॉर्म्ड विल बी मोर डाइल्यूट हो जाएगा। आगे देख ले फिर भी क्या है, फैकल्टेटिव रीअब्सॉर्प्शन ऑफ Na+ एंड वाटर विल नॉट, ये डीसीटी से होता है, ये डीसीटी का करैक्टर कहलाता है। Selective secretion of H+, K+, NS3 will stop. ये DCT collecting duct से भी हो रहा है। भाई तीन जगह से होता है, तो इसको उठाए तो बाकी दो जगह से भी तो हो रहा है। बाकी दो जगह से हो जाएगा। तो एक तो PCT में होता है ये दिन से रहता, एक DCT में होता है, और थर्ड पार्ट अगर बच्चों को और बताएं तो इसमें collecting duct आ जाएगा क्या? Collecting duct। मतलब लूप ऑफ हेनले को कंसीडर नहीं करना है। लूप ऑफ हेनले जो है, लूप ऑफ हेनले में दो बातें याद रखनी है आपको। ये लूप ऑफ हेनले है जैसे, क्यों ये डिसेंडिंग पार्ट हो गया, ये असेंडिंग पार्ट कहला गया, ऊपर जा रहा है ये नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये डिसेंडिंग वाला पार्ट तो वाटर के लिए परमिएबल कहलाता है, यहाँ से बाहर क्या आ सकता है, पानी बाहर आ सकता है भैया, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल कहलाता है, यहाँ से Na+ और उसके पीछे पीछे फिर Cl-, ठीक है, Na+ और Cl-, ये मूवमेंट हो गया, क्लियर। तो डिसेंडिंग लिंब ऑफ हेनले लूप तो पानी के लिए परमिएबल है, इलेक्ट्रोलाइट के लिए इम्परमिएबल है, असेंडिंग हेनले लूप जो है इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो परमिएबल है, पानी के लिए इम्परमिएबल बन जाएगी। तो आंसर अपना कौन सा चला जाएगा, फर्स्ट ही चला जाएगा। चले आगे, अगला ये और नहीं देखा अपने, कॉन्सेप्ट मैकेनिज्म विल स्टॉप एंड फिल्ट्रेट, वो तो लूप ऑफ हेनले का फंक्शन कहलाता है, ठीक है। 14 जी सर, अब नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट पूछा है यूरिन के लिए, तो यूरिन के अंदर जो है सोडियम आयन होते हैं, क्रिएटिनिन भी होता है, यूरिक एसिड भी होता है, लेकिन पस नहीं होता है। बिल्कुल, और पस की अगर प्रेजेंस देखी जाती है तो इसको पाई यूरिया कंडीशन कहा जाता है, और पाई यूरिया जो है यहाँ पर WBC जो है वो रिलीज आउट हो जाती है थ्रू दी यूरिन, और ऐसा जो है वो यूरिनरी ब्लैडर के इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, या फिर किडनी का इन्फेक्शन भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है जी। ये जो हिपुरिक एसिड की बात कर रहे हैं, ये बेंजोइक एसिड से बनने वाला सब्सटेंस कहलाता है, और बेंजोइक एसिड किससे बनेगा, ज्यादा फिनोलिक सब्सटेंस अपन कंज्यूम करते हैं तो उन ज्यादा फिनोलिक सब्सटेंस के कंजप्शन से जो है ज्यादा क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड, ज्यादा बेंजोइक एसिड बनेगा तो ज्यादा हिपुरिक एसिड बनेगा। और ये फिनोलिक सब्सटेंस कौन से कहलाते हैं, जैसे टी का इनटेक कहलाता है, ठीक है, फ्रूट का जो जूस होता है इसमें भी फिनोलिक सब्सटेंस ज्यादा होते हैं, तो वहां पर हिपुरिक एसिड जो है वो ज्यादा बन जाता है, मतलब एक मेटाबोलाइट है ये, मेटाबोलाइट हो गया जो रिलीज होता है। बिल्कुल बिल्कुल, चले आगे 15 जी सर। यहाँ पर इस फिगर से रिलेटेड बात की कि एरो इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पर रीअब्सॉर्प्शन को, और ये इंडिकेट कर रहे हैं सिक्रेशन, सिक्रेशन, ठीक है। तो ये किस रेस्पेक्ट में है, तो ये यहाँ पर जो है अगर हम लोग देखें कि ये एक तो आपके NCERT में PCT में दिया है, और इस वाले पार्ट में अगर हम लोग देखें यहाँ पर लूप वो आपका बोमेन कैप्सूल है सुनील जी, ठीक है। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट ये है कि जितना परसेंटेज NaCl का रीअब्सॉर्ब हो रहा है उतना ही उसके पीछे पीछे वाटर भी मूव करता है, और यही वो कारण है कि यहाँ पर आइसोटोनिक रह जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आइसोटोनिक जी सर। तो सुनील जी, जो एफरेंट आर्टेरियोल है उसमें ऑस्मोलरिटी 300 थी, ठीक है, और कैप्सुलर फ्लूइड में भी 300 थी, और क्योंकि 70% अगर NaCl बाहर जा रहा है तो उतना ही वाटर बाहर मतलब मेडुलरी इंटरस्टिशियम में जा रहा है, रीअब्सॉर्ब हो रहा है, जितना सॉल्यूट गया उतना ही सॉल्वेंट चला गया, तो ओवरऑल ऑस्मोलरिटी पे इस कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है जो फिल्ट्रेट है, ठीक है। तो यहां पर ऑस्मोलरिटी 300 रह जाएगी उसमें, तो ये एक चीज याद बच्चे रख सकते हैं। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि PCT से डिसेंडिंग लिम में जो फिल्ट्रेट मूव कर रहा है उसकी ऑस्मोलिटी कितनी है, तो 300 हो जाती है जी। और जो लूप ऑफ हेनले है उसमें पहुंचने के बाद उसके बाद फिल्ट्रेट की ऑस्मोलिटी बढ़ना चालू होती है 300 से 400, 500, 600 और डीप इनटू द मेडुला ये 1200 मिलीऑस्मोल पर लीटर डिसेंडिंग लिम में बढ़ती जा रही है, हां, और असेंडिंग में बढ़ती जा रही चली जाएगी वापस, ठीक है। तो यहां पर अपन आंसर कर लेंगे फिर पीसीटी और आइसोटोनिक, आइसोटोनिक किस रेस्पेक्ट में, ब्लड के रेस्पेक्ट, ब्लड के रेस्पेक्ट में जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने।
और इसमें खास बात एक आपको ये और रखनी है भैया कि यहाँ पर K प्लस जो है ना जी, ये आउटवर्ड मूवमेंट दर्शाया हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी के डायग्राम में डीसीटी में के प्लस इनवर्ड दर्शाया हुआ है। अब इसका मतलब ये नहीं है डीसीटी में री अब्सॉर्प्शन नहीं होगा के प्लस का, होगा तो सही, लेकिन मैक्सिमम के प्लस कहाँ, पीसीटी, पीसीटी में री अब्सॉर्प्शन होगा। हाँ। और इसका सेक्रेशन भी होता है, इसका उसको दिखा नहीं रखा लेकिन लिख रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सुनील जी एक बार इसको पढ़ लेते हैं कि द एरो इलस्ट्रेटेड इन द फिगर बिलो इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन, तो एक ही जगह हम लोग लिख सकते हैं PCT हो जाएगा, ठीक है। पार्ट ऑफ नेफ्रॉन द फिल्ट्रेट एयर बिकम आइसोटोनिक टू ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा, तो ब्लड प्लाज्मा तो अपना 300, ऑप्शन नंबर अपना कौन सा चला गया, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड आउट द मिसमैच विद रिस्पेक्ट टू एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द यूरिन एंड फिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द पेशेंट। कीटोन बॉडी की अगर बात करें तो डायबिटीज मेलिटस, बिल्कुल ठीक बात है। बाइल पिगमेंट, हेपेटाइटिस, नो डाउट इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर की बात हो जाएगी यहाँ पर। प्रोटीन कंजप्शन ऑफ प्रोटीन इज डाइट, प्रोटीन तो फिल्ट्रेट होता ही नहीं है भैया, और ये कह रहा है कि एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट यूरिन का बोल रहा है, इसका मतलब ये बात गलत हो जाएगी। ये पूछा अपने से, मिसमैच पूछा है, तो ऑप्शन नंबर, मतलब ऐसा नहीं है कि डाइट में अगर प्रोटीन बहुत ज्यादा ले रहे तो वो यूरिन से फिल्टर, हाँ यूरिन से फिल्टर नहीं होगा। और क्रिएटिन की अगर बात करें तो मायोपैथी जो कंडीशन है वो एबनॉर्मल कॉन्ट्रेक्शन कहलाती है, किसके हैं, मसल्स के, और ऐसी कंडीशन में क्रिएटिन का अमाउंट जो है वो भी बढ़ जाता है, क्यों। नेक्स्ट 17, इफ एएनएफ लेवल राइज इन ब्लड, ओके, देन एट्रियल नेट्रियाटिक फैक्टर विल वर्क टू डू ऑल द फॉलोइंग एक्शन। मतलब ये जब भी ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है और ब्लड प्लाज्मा जो है वो हाइपोटोनिक हो गए हैं, ठीक है, और हाइपोटोनिक हो गए क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट ज्यादा है, ठीक है, और ऐसे में हाइपोटोनिक ब्लड का वॉल्यूम जब बढ़ता है तो ऐसे में जब ब्लड का फ्लो हो रहा है तो एट्रियल वॉल जो है एएनएफ को रिलीज कर रही है और इसको रास सिस्टम को डीएक्टिवेट करना है। इसका मतलब एएनएफ रिलीज हुआ है तो इसे ठीक पहले रास मैकेनिज्म चलाए, वो चलाए और रास मैकेनिज्म चलाए, इसका मतलब वजह से ऐसा हुआ है, रास मैकेनिज्म चलाए इसका मतलब डाइल्यूट यूरिन ज्यादा बनाए, और रास मैकेनिज्म इसलिए चला था क्योंकि उस समय जो है ब्लड की ऑस्मोलिटी क्या हो गई थी, ज्यादा एक सेट पॉइंट 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर से बढ़ गई थी, है ना जी, जी सर। तो यहाँ पर जो एएनएफ का लेवल इंक्रीज हुआ वो सब कुछ टास्क करेगा किस एक को छोड़ के, तो उसकी बात कर लेते हैं। डिक्रीज द ब्लड वॉल्यूम टू नॉर्मलाइज इट बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ यूरिन, बिल्कुल सही है कि अगर वॉल्यूम ऑफ ब्लड बढ़ा है तो एक्सेसिव वाटर को अगर फिल्टर करके अगर उसको रीअब्सॉर्ब कम किया जाए तो यूरिन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा और वो जो बॉडी के बाहर चला जाएगा। बिल्कुल ठीक है। सर्दियों में जब अपन लिक्विड इंटेक करते हैं तो स्वेटिंग कम होती है सर्दियों में, ठीक है, तो यूरिन वॉल्यूम तेजी से बढ़ता है, ठीक है, और इसीलिए उसको नॉर्मल करने के लिए जो है यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है, यूरिन सर्दियों में 3 से 4 लीटर हो जाता है, बढ़ जाता है, और गर्मियों में इसका उल्टा होता है, ठीक है, गर्मियों में स्वेटिंग ज्यादा हो रही है तो यूरिन वॉल्यूम जो है सर्दियों में, सॉरी गर्मियों में कम हो जाता है, कम हो जाएगा जी, ठीक है आपने, तो पहले वाला जो वो सही है, ठीक है। फिर देखते हैं स्टिमुलेट द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म में, इसको तो ये इनहिबिट करता है, इनहिबिट इसके अगेंस्ट चलेगा, अभी अभी बात की थी अपने, ठीक है, और यही क्या हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा। फिर लिखा इंक्रीज द एलिमिनेशन ऑफ सोडियम, बिल्कुल सही, सोडियम जो है उसका एलिमिनेशन करेगा, तो अगर सोडियम का एलिमिनेशन हो रहा है तो उसके पीछे पीछे वाटर का भी एलिमिनेशन होगा, बिल्कुल, जिधर सॉल्यूट जाएगा उस तरफ सॉल्वेंट जाएगा, क्योंकि सोडियम अगर इधर गया इसका मतलब यहाँ की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी और उसको फिर बैलेंस करने के लिए पानी अंदर की ओर आएगा, तो वॉल्यूम ऑफ यूरिन अल्टीमेटली, और ये एक वैसोडायलेटर है और इससे जो है वो नेफ्रॉन की तरफ जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसमें भी मतलब ये बॉडी के अंदर दूसरी साइड जो ब्लड का फ्लो हो रहा है उसका ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, तो वैजोडायलेटर बिल्कुल ठीक है और ब्लड प्रेशर को डिक्रीज भी करवाएगा, ब्लड वेसल में डायलेशन आएगा तो प्रेशर जो उसके वॉल पर लगेगा वो भी कम हो जाएगा। करेक्ट आंसर अपना मिसमैच कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, एडीएच हो गया और आपका जो एंजियोटेंसिन हो गया वो तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर हो गए, ठीक है, और यहाँ पर एएनएफ के लिए बच्चों को याद रहा है वैजोडायलेटर हो जाता है जी। क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा, कंसेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट अकर इन विच सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन, कंसेंट्रेशन की बात कर रहे हैं लूप ऑफ हेनले, डायरेक्ट आंसर चला जाएगा, पहले समझा दिया बच्चों को, तो लूप ऑफ हेनले चला जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट 19, ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज ग्रेटेस्ट
8U7 तो जो अपने लूप ऑफ हेल है उसके अंदर अपन ने बात की कि डिसेंडिंग लिम में जैसे जैसे नीचे बढ़ेंगे तो ऑस्मोलिटी बढ़ती जाएगी और यहाँ पर 1200 के आसपास हो जाएगी और असेंडिंग में जैसे जैसे ऊपर आएंगे तो ऑस्मोलिटी वापस घटने लग जाएगी क्योंकि एनएसीएल बाहर जा रहा है। ठीक है। और यहाँ पर क्यों बढ़ी? क्योंकि वाटर बाहर जा रहा है, मतलब रीअब्सॉर्ब हो रहा है, इसलिए बढ़ रही है। तो यू जो हेयर पिन लूप है वहां पर पूछा है कि कितनी कंसेंट्रेशन हो जाती है, तो वो 1200 के आसपास हो जाती है। तो करेक्ट आंसर 4 चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट आर रिलेटेड टू रेगुलेशन ऑफ द किडनी फंक्शन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट एक्सेप्ट। इसका मतलब अपने को रॉन्ग का पता करना है। रेनिन रिलीज फ्रॉम जेजी सेल ड्यू टू फॉल इन जीएफआर। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक बात है। तो रेनिन कब रिलीज हुआ था? जब ऑस्मोलरिटी बढ़ने लग गई थी। क्यों? रास इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द ब्लड प्रेशर। रास मैकेनिज्म ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बढ़ेगा, वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन भी करवा रहा है, वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन भी होगा। एएनएफ अपोजिट रास इन इट्स सेक्शन। सही है। ऑस्मो ये रिएक्टर, ये रिसेप्टर होना चाहिए। ऑस्मो रिसेप्टर इन द बॉडी आर डीएक्टिवेटेड बाय चेंज इन ब्लड वॉल्यूम एंड ऑस्मोलिटी। एक्टिवेटेड होना चाहिए, बिल्कुल। तो ये डीएक्टिवेटेड की वजह से रॉन्ग हो गया, आंसर भी अपना फॉल्स चला जाएगा। नेक्स्ट 21। Which part of nephron is called concentrating segment? तो diluting segment सुनेंगे से और concentrating segment, तो अभी कई बार बता चुके हैं ये concentrating segment और ये diluting segment। ठीक है। तो ascending limb of lobe, sorry descending limb of lobe। concentration, concentrate करना है ना filtrate को, इसका मतलब पानी को बाहर आना है, पानी को बाहर आना है, इसका मतलब deep में यहाँ पर इस point पर क्या हो जाएगा, highly concentrated filtrate बने जाता है। ठीक है। तो descending limb of lobe of Henle। 22। काउंटर करंट मैकेनिज्म प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोड्यूसिंग ए कंसंट्रेटेड यूरिन। बिल्कुल अभी वही बात चल रही थी अपनी। हियर काउंटर करंट मींस, इन काउंटर करंट का मतलब हो गया जितेंद्र सर जी, अगर बात करें जैसे ये तो हो गया मेरा लूप ऑफ हेल जी, और ये इसके सराउंडिंग में होगी वासा रिक्टा, ये इसके सराउंडिंग में हो जाती है वासा रिक्टा। तो यहाँ पीसीटी पार्ट था, यहाँ पर फ्लो फिल्ट्रेट का किस प्रकार कहला रहा है, ये तो डिसेंडिंग में हो गया जी, और ये इसका असेंडिंग में हो गया। काउंटर करंट का मतलब होता है ऑपोजिट फ्लो। तो लूप ऑफ हेनले की दोनों लिंब में ऑपोजिट फ्लो है, और यहाँ वासा रेक्टा में अगर फ्लो की बात कर लूं मैं, तो ये तो सिर्फ वासा रेक्टा में ये वाला फ्लो कहलाएगा जी। क्यों? जी जी। और ये असेंडिंग वासा रेक्टा बन जाएगी जी जी, ये डिसेंडिंग वासा रेक्टा है। वासा रेक्टा की दोनों लिंब में भी ऑपोजिट फ्लो, हेनले लूप के भी दोनों लिंब में ऑपोजिट फ्लो, और हेनले लिंब का असेंडिंग और वासा रेक्टा का डिसेंडिंग, इन दोनों में भी क्या है, ऑपोजिट फ्लो है। और इधर भी अगर बात करें तो डिसेंडिंग वासा रेक्टा, वो डिसेंडिंग हेनले लूप और असेंडिंग वासा रेक्टा, इन दोनों में भी क्या है, ऑपोजिट फ्लो, ऑपोजिट फ्लो। तो ये जो ऑपोजिट फ्लो होता है ये हमेशा एक ग्रेडियंट बनाकर रखता है। ठीक है। हाई ग्रेडियंट या हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूवमेंट इजिली हो सकता है, तो उस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को बनाने का मेन अहम रोल किसका हो जाएगा, इनका ये ऑपोजिट फ्लो बन जाता है। तो काउंटर करंट में क्या हो जाएगा, फ्लो फिल्ट्रेट इन टू लिंब ऑफ हेनले लूप इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सही बात है जी। फ्लो ब्लड थ्रू द टू लिंब ऑफ वासा रेक्टा, ये दोनों लिंब, ठीक है, इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड ऑल्सो ऑपोजिट टू द यूरिन फिल्ट्रेट फ्लो। तो इन दोनों लिंब में जो है वो यूरिन का फिल्ट्रेट फ्लो जो है उसके भी ऑपोजिट, बिल्कुल सही है ये भी। फ्लो ऑफ आइसोटोनिक नेफ्रिक फिल्ट्रेट इन पीसीटी एंड फ्लो ऑफ हाइपोटोनिक नेफ्रिक फिल्ट्रेट इन, ऐसा कोई स्टेटमेंट मतलब ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई रिलेशन है भी नहीं। और बोथ वन एंड टू तो मैंने पहले ही टिक लगा दिया है आपको, तो दोनों ही करेक्ट आंसर चले जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट जी सर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन है ना इन कॉर्टिकल एंड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। अभी जो कंपैरिजन किया था दोनों में क्या कॉमन, कॉमन जो है वो पीसीटी डीसीटी डीसीटी है ना, वो मेन कैप्सूल हो गए। ठीक है। लेकिन वासा रेक्टा जो है वो जिनके अंदर लूप ऑफ हेनले काफी लंबे होते हैं उनसे एसोसिएटेड, बिल्कुल वासा रेक्टा जक्स्टा मेडुलरी, वासा रेक्टा की प्रेजेंस जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन और हाईली रिड्यूस्ड वासा रेक्टा या एब्सेंस ऑफ वासा रेक्टा कहां देखा जाता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में जी। तो रिनल कॉर्पल्स तो दोनों में वोमेन कैप्सूल और मेल पिजन बॉडी बना रही है, कॉलम ऑफ बर्टिनी जो है वो दोनों में ही है। हाँ, कलेक्टिंग डक्ट जो ओपन हो रही थी ना मेजर कैलिसेज में वो कहलाती जी, मतलब जो आपके रिनल पेपिला रीजन, मतलब दोनों जो आपके पिरामिड के बीच वाला जो ये पार्ट है, ठीक है ना, कॉलम ऑफ बर्टिनी वो तो दोनों में ही रिलेटेड है। ठीक है। और पीसीटी दोनों में होती है, तो वासा जो रेक्टा है वो केवल एक में है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वासा रेक्टा एक मेजर डिफरेंस बन जाता है दोनों टाइप के नेफ्रॉन का। नेक्स्ट
मैच करना है यतिन सर, डेफिकेशन ये कौन सा एक्सक्रीट आ गया, अनडाइजेस्टेड फूड, तो सेकंड दे दे इसको जी। एक्सक्रीशन ये कौन सा हो जाएगा, एक्सक्रीशन इसमें एक्सक्रीशन में ये हो जाएगा ये हां मेटाबॉलिक वेस्ट आ गया ना, तो इसका फर्स्ट हो जाएगा। ऑस्मोरेगुलेशन की बात करें इसमें ये थर्ड बन जाएगा, इसका डायरेक्ट बन जाएगा थर्ड। मिक्चुरेशन ये फोर्थ बन जाएगा, तो आंसर 2 1 3 4 2 1 3 4 पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। एनसीईआरटी के स्टेटमेंट है ये बिल्कुल। 25 जी सर, यहाँ पर जो है मैल्पिगियन बॉडी जो है या मैल्पिगियन कॉर्पल्स को रिप्रेजेंट किया है, जिसमें ये एफरेंट आर्टेरियोल है, ये ग्लोमेरुला है और ये एफरेंट आर्टेरियोल है। यहाँ एक ये तो सर एक चीज बच्चों को याद रखनी है जी, इसको अपने एफरेंट कहा है ना जी, ये एफरेंट है और ये वाली एफरेंट ठीक है। तो एक तो बच्चा एफरेंट और एफरेंट में कंफ्यूज हो जाता है कि कौन लाता है कौन ले जाता है, तो एबीसीडी में पहले ए आता है और बाद में ई आता है, तो पहले लाना जरूरी है तभी तो बाहर ले जाएगा ना। ये एग्जिट भी याद रखना, एग्जिट ई फॉर एफरेंट या ई फॉर एग्जिट ऐसे याद रख लिया। और इसमें इसका डायमीटर ज्यादा है, हां हां इसका डायमीटर कम है बिल्कुल, ये मोर डायमीटर है ये लेस डायमीटर है, इसके कारण यहाँ एक प्रेशर बनता है, उस प्रेशर के कारण फिर फिल्ट्रेशन होगा, जिसको अफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर इस नाम से भी जाना जाता है जी। और जो एडीएच वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा है वो यही कर रहा था बिल्कुल बिल्कुल, कॉन्ट्रिक्शन होते ब्लड लंबे टाइम तक रुकेगा बिल्कुल, जीएफआर बढ़ेगी। हाँ तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन अफेक्ट जो है वो किसके ऊपर लगेगा, इफ्रेंट के ऊपर लगेगा जी। हाँ तो ये ग्लोमेरुला होगी सुनील जी ठीक है, और बोमेन कैप्सूल में ये अपन कह सकते हैं इनर एपिथेलिया होगी इसकी और ये आउटर, इसको विसरल पेराइटल भी हम लोग कह सकते हैं बिल्कुल, दिस वन इनर होगी जी, ये वाली इनर ये इनर है और ये आउटर है ठीक है। तो ये और ये मिलकर के यहाँ पर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बना रही है ओके। तो इसमें पूछा क्या है कि मार्क द एग्जैक्ट रीजन फ्रॉम वेयर पोडोसाइट अराइज, पोडोसाइट कहां से अराइज होती है, तो इनर से, और वो आपका डी वाला पार्ट हो गया, ओनली डी हो जाएगा, ओनली डी हो जाएगा। और अगर रिलेशन पूछ लेता कि वो साइट बताइए जहां पर पोडोसाइट कनेक्टेड है, तो फिर इसमें डी भी हो जाता और फिर इसमें ए का पार्ट भी आ जाता, क्योंकि अपन ने कहा था पोडोसाइट के साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस जिनको पेडिकल कहा जाता है वो अटैच्ड रहते हैं किससे, इन कैपिलरी से। अरे ठीक भैया, ये नेक हो गई, ये नेक रीजन हो गया इसका, एपिसिटी स्टार्ट हो गया, माइक्रोविलाई नजर आ रहा है बिल्कुल, ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस, क्यूबॉइडल एपिथेलियम याद रखना आपको। नेक्स्ट 26, इन यूरिया ऑर्निथिन साइकिल which step occur in the presence of arginase to yield the urea। सुनील जी ऑर्निथिन साइकिल के रिस्पेक्ट में एनसीईआरटी वाला की नहीं दिए, तो फिर भी थोड़ा सा सिंपल इस पे क्वेश्चन याद रख सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल, कि ये कहां कैरी आउट हो रहा है, तो लिवर में कैरी आउट हो रहा है और ये ब्लड से किन्ने रिमूव कर रहा है, ब्लड से की अच्छा क्वेश्चन बनता है, तो ब्लड से ये अमोनिया और CO2 को रिमूव कर रहा है, क्योंकि ऑर्निथिन साइकिल वो साइकिल है जो ब्लड की अमोनिया को किसमें कन्वर्ट करवाती है, यूरिया में कन्वर्ट करवाती है, उस कन्वर्जन में सुनील जी CO2 का मॉलिक्यूल ऐड होता है, ऐड होता है और इसमें जो है एटीपी भी खर्च होती है ठीक है, और इसमें जो हेपेटोसाइट है उसके साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया में दोनों में ये प्रोसेस होता है ठीक है। बाकी पूरा मेटाबॉलिक साइकिल बच्चों को इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, फिर भी ये एंजाइम वाला जो है वो क्वेश्चन ज्यादातर पूछ लिया जाता है, तो उसमें बच्चे सीधे याद रख सकते हैं कि साइटोप्लाज्म के अंदर जब यूरिया का फॉर्मेशन हुआ है तो उस वक्त यूरिया का जो फॉर्मेशन हुआ है तो उस दौरान आर्जिनिन जो है उसको ऑर्निथिन में चेंज करने के लिए आर्जिनेज जो है वो हेल्प करता है, आर्जिनेज और क्या बन जाएगा ऑर्निथिन जी, ऑर्निथिन और बदले में क्या निकल जाएगा यहाँ पर CO2 वो सॉरी यूरिया जो है यूरिया ये रिलीज आउट हो जाएगी। और सवाल ये भी बन जाता है कि वो प्रोडक्ट ऑर्निथिन साइकिल का कौन सा है जो वापस एट द एंड ऑफ साइकिल ऑब्टेंड होता है, वो ऑर्निथिन ही कहलाता है, मतलब ये साइटोप्लाज्म से वापस माइटोकॉन्ड्रिया में जा रहा है बिल्कुल ठीक है आपने ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो गया कि ब्लड से किन दो को रिमूव किया जा रहा है, NH3 और CO2, और ये कौन सी सेल में हो रहा है, हेपेटोसाइट में हो रहा है, लिवर के अंदर, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दो तीन सवाल यहां से बन सकते हैं थोड़े से डिटेल के। नेक्स्ट 27, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल सीक्रेट एंजाइम रेनिन जी, बिल्कुल ठीक बात है, इट परफॉर्म डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑल द फॉलोइंग फंक्शन एक्सेप्ट, क्या काम नहीं करेंगे, तो अपने को पता है रेनिन रास मैकेनिज्म चलाएगा और रास मैकेनिज्म में ब्लड प्रेशर मॉड्यूलेट होता है, रीनल ब्लड फ्लो जो है वो बढ़ाया जाता है, GFR को रेगुलेट किया जाता है ठीक है, इंक्रीज आरबीसी सिंथेसिस ये इसका फंक्शन नहीं कहलाएगा। एक्चुअल में जो जेजी सेल है वो रेनिन बना रही है और वही एनसीईआरटी का इरिथ्रोपोएटिन बना रही है, जेजी सेल इरिथ्रोपोएटिन से जरूर कर सकती है बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन रेनिन से नहीं कर सकती, रेनिन से नहीं कर सकती। और यही बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि जेजी सेल जो है वो एंजाइम इरिथ्रोपोएटिन बना रही है, उससे रिलेटेड कौन कौन सी चीज हो जाएंगी, तो एक्सेप्ट
तो किसकी बात कर लेंगे यहाँ पर, ये चीज हो जाएगी, बाकी तीनों नहीं होगी। तो इरिथ्रोपोएटिन आरबीसी का फॉर्मेशन तो करवा देगा लेकिन बाकी की चीजें नहीं करवाएगा। चले आगे 28। Greater the ability of animal to excrete hypertonic urine, मतलब ऐसा animal जो terrestrial environment में है, dry condition में, xerophytic habitat, बिल्कुल, और उसको अपने body से water loss को prevent करना है, ठीक है, तो वो ज़्यादा ज़्यादा जो है वो water reabsorb करेगा, और उसके लिए उसकी body में जो kidneys में nephron की में जो loop of Henle है, उसके length का ज़्यादा होना ज़रूरी है, क्योंकि counter current mechanism में जितनी length of Henle की loop बड़ी होगी और वसा रेक्टा पता ही है उसी में पाया जाता है जक्स्ट्रा मेडुलरी टाइप में, तो वहां पर कंसंट्रेशन लॉन्गर हेनले लूप भी हो गए, ठीक है, स्मॉलर होना नहीं है, और ऐसे केस में जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन, तो करेक्ट आंसर फोर चला जाएगा, फोर चला जाएगा। नेक्स्ट 29 है, ADH इज ट्रिगर्ड व्हेन ऑस्मोरिसेप्टर इन हाइपोथैलेमस डिटेक्ट एन इंक्रीज इन द ऑस्मोलैरिटी ऑफ द ब्लड अबव ए सेट पॉइंट। बहुत बार बता दिए ये स्टेटमेंट, एनसीईआरटी की लाइन है 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर। नेक्स्ट 30, यूरिया इज एडेड टू इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑफ मेडुला बाय डिफ्यूजन आउट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट, है ना, इट री एंटर, तो ये भी अपने शुरुआत में बता दिया, स्टार्टिंग में बता दिया था, ये लूप ऑफ हेनले, ये फिर मतलब ये कलेक्टिंग डक्ट वाला पार्ट है, तो इसके टर्मिनल एंड से यूरिया जो है वो निकलेगा, निकल रहा है, जिसको हम लोगों ने मेडुलर इंटरस्टिशियम बताया था, जो यहां की ऑस्मोलिटी बढ़ाएगा, फिर असेंडिंग के थिन में वापस एंट्री करता है, ठीक है, और इस तरीके से वो सर्कुलेट होता रहता है, और ये जो है वो मेडुलर इंटरस्टिशियम में लोअर साइड 1200 को मेंटेन करने में हेल्प करता है, बिल्कुल, NaCl के साथ, NaCl के साथ। तो ये भी स्टार्टिंग में बता दिया था कि मेडुलरी इंटरस्टिशियम की कंसंट्रेशन कौन बनाकर रखता है, या हाई ऑस्मोलरिटी का कारण क्या है, NaCl और यूरिया बन जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट हो जाएगा डिफ्यूजन इनटू असेंडिंग थिन सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले, री एंटर पूछ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल री एंटर, और ये पूछ देगा कि मेडुलरी इंटरस्टिशियम में कहां से आया है, तो फिर डिसेंडिंग पार्ट आ जाता है कलेक्टिंग डक्ट का, एक्टिव नहीं होगा ये, क्योंकि जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट है जो मूव कर रहे हैं अंदर की तरफ, पैसिव भी होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट 31 जी, इफ द फिल्ट्रेट प्रेशर इज 10 mmHg, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, अगर इसकी बात करें तो ये सर एक फार्मूला बच्चों को, बिल्कुल, और सुनिए ये सब दोनों क्वेश्चन है ना, नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर माइनस BCOP, ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, प्लस CHP, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जी जी, ठीक है। और नॉर्मली अगर बात करें जितेंद्र सर, तो पहले इस क्वेश्चन को तो बाद में देखेंगे, जो नॉर्मल कंडीशन के दौरान चलेगा वो कितना होगा, GHP होता है जितेंद्र सर, कितना, 60 mmHg, वैसे ये 75 तक जा सकता है, बिल्कुल 60 से 70 कह सकते हैं, बिल्कुल। BCOP की बात करें तो ये होता है 32 mmHg, CHP की बात करें तो ये होता है 18 mmHg, इसका मतलब ये कैलकुलेशन अपनी आता है 60 minus 15, और ये कितना होता है 10 mmHg, तो 10 mmHg वो प्रेशर है जिसके कारण पर मिनट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अपनी कितनी आती है, 125 ml आती है, बिल्कुल, बिल्कुल। ये बच्चों को एक चीज याद रखनी है, ठीक है, अब यही वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं अपन, इफ द फिल्ट्रेशन प्रेशर 10 mmHg, इसका मतलब अपने को लास्ट में पूछा क्या है, GHP पूछा है, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, तो इसी फॉर्मूले को मैं मॉडिफाई कर दूं, तो GHP ये दिन सर हो जाएगा मेरा क्या, NEFP प्लस क्या हो जाता है वो ब्रैकेट आ जाएगा ऐसा कैसा, क्योंकि ये माइनस है, माइनस इधर आएगा तो प्लस में बदल जाएगा, BCOP प्लस क्या हो जाएगा, CHP, क्यों जी, अब वैल्यू पुट कर देते हैं, फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना दिया है 10 mmHg प्लस BCOP, बताने के देंद्र सर BCOP दिया है यहाँ पर, ये तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो गया, और ऑस्मोटिक प्रेशर 30, ये 30 दिया है, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना हो गया, 20 हो गया, क्यों, तो 30 plus 20 50 50 plus 10 कितना जाएगा, 60 mmHg, ऐसा ऑप्शन है क्या, देखिए देखें, यार सेकंड, बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर सेकंड चला जाएगा, इसमें सुनील जी थोड़ा सा बता देते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल, ये कलर चेंज कर देते हैं, इन दोनों को भी मैं सेपरेट कर देता हूँ, तो जैसे ये एफरेंट आर्टेरियल और एफरेंट वाला हो गया, ठीक है, अब जैसे ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की बात की जा रही है, तो यहाँ पर जो भी फ्लूड है तो वो नीचे की तरफ ग्रेविटी की हेल्प से प्रेशर लगा, डाउनवर्ड लगाएगा जी, वो आपका ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा। अब BCOP जो है वो ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी इस ब्लड प्लाज्मा में जो प्रोटीन वगैरह, प्रोटीन पार्ट है, कोलोइडल पार्ट्स उनके द्वारा सॉल्यूट, वो सॉल्यूट सुनेल से सॉल्वेंट को जाने से रोकते हैं, ठीक है, तो BCOP की अगर बात करें तो वो
अगेंस्ट वो ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है, और ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर नीचे की तरफ लग रहा है। इसके अलावा यहाँ पर जो फिल्ट्रेट इकट्ठा है, ऑलरेडी जो पहले फिल्टर हो चुका है वो भी अपोज करेगा, वो नीचे फ्लूड को आने से रोकता है तो वो भी ऊपर की तरफ जो है प्रेशर लगाता है, ठीक बात है। इसीलिए अपन ने ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर से इन दोनों को माइनस किया है। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये जो है ये तो वो मेन प्रेशर है जिसके कारण अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा, इसको तो यतिन सर क्या बोल दिया अपने, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ठीक है, जीएचपी। और ये वाला प्रेशर जो है ये ऑलरेडी जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसके कारण है, सीएचपी है, मतलब जो कैप्सूल में जो फिल्ट्रेट है उसकी वजह से। और ये वाला जो प्रेशर है जो इसी ब्लड के द्वारा ही लग रहा है ऊपर की तरफ लग रहा है, ये वाला प्रेशर कौन सा कहलाएगा, बीसीओपी कहलाएगा। तो सीएचपी और बीसीओपी की डायरेक्शन एक समान है, अपोज करेंगे किसका, जीएचपी का। बहुत ही जब भी ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, ठीक बात है। और लो बीपी की वजह से किडनी फेलियर भी हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है। तो अगर बीपी कम हो गया तो नेफ्रॉन की तरफ जब वो जाएगा तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी डिक्रीज कर जाएगा, बिल्कुल। और अगर ये डिक्रीज कर गया, मान लो ये 6 की जगह 5 हो गया तो ये 50 मान लो हो गया, और तब इन जब अपन वैल्यू को पूरा करेंगे जीरो गए तो 50-50 जीरो, इसके बाद नेट फिल्ट्रेशन होगा ही होगा ही नहीं, फेलियर हो जाएगा, इसलिए लो बीपी डेंजरस होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो समझ में आई भैया, तो बीपी को नॉर्मल बनाए रखिए। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 32। यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व 3 मेन प्रोसेस, फिल्ट्रेशन, रीअब्सॉर्प्शन एंड सेक्रेशन आ जाएगा इसके अंदर। और फिल्ट्रेशन इज नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस परफॉर्म बाय द, क्योंकि ये सेलेक्टिव प्रोसेस नहीं है, ठीक है, नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस परफॉर्म्ड बाय द ग्लोमेरुलस यूजिंग द ग्लोमेरुलर कैपिलरी से हो रहा है, ठीक है। और प्रेशर कौन सा है, जी बीएचपी, ठीक है, जीएचपी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला करेक्टली मैच, मतलब अभी जो अपन ने बता चुके हैं वही चीज है ना। तो इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर जीएचपी माइनस बीसीओपी प्लस सीएचपी, बिल्कुल ठीक बात है। ये एएफपी, एक मिनट यहाँ नहीं लगाएंगे, ठीक अपन, ये बात सही है जी। और ये अपन ने नॉर्मली निकाल कर बच्चों को बताया ही था कि प्रेशर ऑफ 10 एमएमएच को जो नॉर्मल अमाउंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा टू फिल्टर फ्रॉम ग्लोमेरुलर इनटू द ग्लोमेरुलर कैप्सूल में आ जाता है, ये बात भी ठीक है। All the above statement are very well matched. कुछ मतलब हाई बीपी अगर हो जाए तब भी यही चीज होती है कि जब भी बीपी बढ़ जाता है तो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक भी प्रेशर भी बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा। और जब वो प्रेशर बढ़ेगा तो उस वजह से जो फिल्ट्रेशन तेजी से होगा, ठीक है, और वो फिल्ट्रेशन जब तेजी से होगा तो उसमें जो ब्लड में जो छोटी छोटी प्रोटीन है वो प्रोटीन को प्रेशर के साथ नीचे भेजा जाएगा, बीसीओपी। तो वो जो प्रोटीन है सुनील जी वो उन स्लिट के अंदर फंस जाएंगे, फंस जाएंगे वो, तो वहां भी फिल्ट्रेशन नहीं होगा। अगर फंस गई तो फिर वो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक बात है, वो भी रीनल फेलियर को, तो रीनल फेलियर लो प्रेशर के कारण भी और हाई प्रेशर के कारण भी, ये दोनों ही कांसेप्ट याद रखने आपको जी। 33 जी सर, यहाँ पर किडनी के रेस्पेक्ट में बात की गई है कि किस एनिमल में किडनी का रोल काफी कम है एक्सक्रीशन। हाँ, तो जैसे अपन देखें कि ना फिश है, एम्फीबियन है, यहाँ तक मेसोनेफ्रिक किडनी होती है, रेप्टाइल बर्ड्स और मैमल्स में मेटानेफ्रिक किडनी होती है। और यहाँ पर जो एक्सक्रीशन की अगर बात करें तो बोनी फिश मोनोटेलिक होती है, कार्टिलेजनस फिश यूरियोटेलिक होती है, यूरियोटेलिक, क्योंकि उनको प्रिजर्वेशन की आवश्यकता है पानी के। और एम्फीबियन में अगर देखें तो टैडपोल लार्वा और जो टेल्ड एम्फीबियन है वो मोनोटेलिक है, अमोनो हो गई, और बाकी जो है फ्रॉग टॉड वो यूरियोटेलिक है, ठीक है। और रेप्टाइल के लिए, बर्ड के लिए, बर्ड्स के लिए बताई दिया यूरिकोटेलिक, और मैमल जो है वो यूरियोटेलिक होता है, ठीक बात। तो यहाँ पर क्या कि किडनी का रोल कम है एक्सक्रीशन में, तो कार्टिलेजिनस फिश में तो होगा मेसोनेफ्रिक किडनी, क्योंकि वो यूरिया का एक्सक्रीशन कर रही है तो रोल होगा, बर्ड्स में भी होगा मेटानेफ्रिक किडनी है, बिल्कुल। लेकिन फ्रेश वाटर जो बोनी फिश, अभी मैंने बताया कि ये अमोनोटेलिक होते हैं और अमोनिया ज्यादा परमिएबल है मेम्ब्रेन के लिए, बिल्कुल, तो इनकी जो गिल स्लिट्स हैं या बॉडी की जो दूसरी परमिएबल साइट्स हैं वहीं से अमोनिया डिफ्यूज आउट, डिफ्यूज आउट हो जाती है, ठीक कहा आपने। और ये स्नेक की बात करें तो ये तो अपने मेटा का बताई थी, मेटानेफ्रिक इन्वॉल्वमेंट बताया भैया यहां पे, ठीक है। नेक्स्ट 34 हो जाएगा। ऑर्निथिन साइकिल आल्सो नोन एज यूरिया साइकिल रेफर टू सीक्वेंस ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस, साइट पूछा है, साइट डायरेक्ट साइट वाला क्वेश्चन हो गया, हां लीवर हो जाएगा। 35 जी, How much amount of capsular filtrate is finally transformed into urine? मतलब 99% तो reabsorb हो गया। बिल्कुल, 180 बना था total। जी। और इसमें से finally urine की form में अगर बात करूँ, तो वो तो कितना निकला है यतिंद्र सर? 1 to 1.5
5 लीटर ये निकला है, ये 180 लीटर क्या बना था, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अपनी कहलाई थी, ठीक है, पर डे। अब रीअब्सॉर्ब कितना हो गया, तो 99% हो गया, और ये पूछ रहा है कि कितना यूरिन में कन्वर्ट हो गया, तो 180 लीटर का 1.5 इनका एवरेज निकाले तो 1.25 लगभग ये कितना आ जाएगा, मतलब ये सर्दी गर्मी के अकॉर्डिंग बदल सकता है, बिल्कुल गर्मियों में कम सर्दी में ज्यादा, बिल्कुल, तो करेक्ट ऑप्शन 1% चला जाएगा, ठीक है जी। 36 If liver from body is removed, then which component of the blood increases? भैया लीवर का काम क्या था? ये बॉडी में बनने वाली जो हार्मफुल अमोनिया है उसको कन्वर्ट करवा रहा था ये किसमें, यूरिया में, तो इसका मतलब अमोनिया का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा और नीथिन साइकिल नहीं चल पाएगा, नहीं चल पाएगा, बिल्कुल। और ऐसे ही कह देते किडनी हटा दें तो तब बॉडी में यूरिया का लेवल बढ़ जाता है, तब यूरिया का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। 37 Which one of the following statement in regard to excretion by human kidney is correct? Correct पूछ रहा है, ठीक है। तो ascending lipoprotein is impermeable to electrolyte, गलत हो गया, क्योंकि यहाँ से तो electrolyte निकल ही रहे थे ना, ये permeable होती है, बिल्कुल। और descending lip जो है वो electrolyte के लिए तो impermeable, लेकिन water के लिए permeable होती है, और यहाँ पर impermeable लिख दिया, तो ये भी wrong हो गया। तो यहाँ से तो पानी बाहर आ रहा था descending से। फिर लिखा distal convoluted tubule is incapable of reabsorption by carb. Capable होता है, इसे अटक लिखा है, ठीक बात है। और nearly 99% of glomerular filtrate is reabsorbed by renal tubule, सही है, बिल्कुल करेक्ट ही पूछा आपने, इसे ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 38 एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल इज कॉल्ड एज, एलिमिनेशन की बात करें तो ये क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है, सर्कुलेशन वो ब्लड से रिलेटेड हो गया, डाइजेशन प्रोसेस कहला गया जो एंजाइमेटिक एक्शन के द्वारा होता है, रेस्पिरेशन ब्रीथिंग वाला प्रोसेस वो हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के द्वारा एनर्जी को प्रोड्यूस करना। नेक्स्ट 39 यहाँ पे जो है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए लिखा है सुनील कि इसके अंदर वन पेयर किडनी है, वन पेयर यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है जो आगे यूरेथ्रा के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। और इसमें देखना कि ये स्टेटमेंट सही है या नहीं, यस या नो में आंसर देना है, ठीक है। और फिर पूछा कि ये किससे रिलेटेड है, तो स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है। तो और फिर अगर देखें कि यस कंसर्न विद ऑस्मोरेगुलेशन, लेकिन ऑस्मोरेगुलेशन की बात करें तो वहां पर जो है केवल किडनी के रेस्पेक्ट में हो जाएगा, किडनी, लेकिन किडनी के साथ साथ और भी चीजें दे रखी, बिल्कुल। तो मैच्योरेशन रिफ्लेक्स हो गया, बिल्कुल, यूरिनरी ब्लैडर के द्वारा, जी जी। और मैच्योरेशन रिफ्लेक्स के बाद में यूरिन स्टोरेज भी हो रहा है, यूरिनरी ब्लैडर, उसका एलिमिनेशन भी हो रहा है यूरेथ्रा के द्वारा, ये जो है वो ज्यादा एप्रोप्रिएट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी एंड हैज टू पोर्शन ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूबुल्स, ये आपको बताया था पहले हमने स्ट्रक्चर में। अब इन केस ऑफ अबव स्टेटमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मेंशन, जी जी, नेफ्रॉन रेस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन रीअब्सॉर्प्शन सिक्रीशन सही है, फिल्ट्रेशन बाय ग्लोमेरुलस सही है, रीनल ट्यूबुल रीअब्सॉर्प्शन सिक्रीशन ये भी सही है, हैलेलुया पीएच बैलेंस नो रोल, ये नो रोल नहीं, क्योंकि पीएच बैलेंस में पीसीटी का इन्वॉल्वमेंट था, पीसीटी कलेक्टिंग कलेक्टिंग डक्ट का भी इन्वॉल्वमेंट था, लेकिन लूप ऑफ हेनले तो केवल कंसंट्रेशन मैकेनिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। नेक्स्ट 41 जी सर, एन इंक्रीज इन ब्लड फ्लो टू एट्रिया ऑफ हार्ट कैन कॉज द रिलीज ऑफ एएनएफ, बता दिया भैया बहुत बार बता दिया, व्हिच कैन कॉज वैसोडायलेशन, वैसोडायलेशन हो जाएगा एंड देयर बाय वैसोकंस्ट्रिक्शन नहीं आएगा, इसका मतलब ये वैसोडायलेशन आएगा और इधर एएनएफ आना चाहिए, एंजियोटेंशन नहीं आना चाहिए, तो वैसोडायलेशन होगा तो बीपी जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, सिंपल सा कांसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 42 द प्रिंसिपल नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी कंपाउंड इन ह्यूमन इज सिंथेसाइज्ड, प्रिंसिपल कौन सा, यूरिया, यूरिया कहां बनेगा, ऑर्निथिन साइकिल के द्वारा लीवर में बनेगा, इन लीवर बट एलिमिनेटेड मोस्टली थ्रू द किडनी, बिल्कुल ये करेक्ट आंसर। 43 The process of concentration of urine take place in following structure which occur only in medulla, okay, केवल medulla में हो रही है, तो और आपके लोगों को फैलने की बात हो रही है, लोगों को फैलने सिंपल सी बात, अरे स्ट्रक्चर याद है ना, एक फाइनली डायग्राम बच्चों के लिए और बना देते हैं जितेंद्र सर, ये अपना क्या बन गया पीसीटी, ये अपनी क्या कहला गई, लोगों को फैलने कहला गया, ये अपना क्या बन जाता है पीसीटी, ये अपना क्या बन गया कलेक्टिंग डक्ट, और इनका अगर सेपरेशन बना दें तो ये इसका सेपरेशन कहलाएगा, ठीक है, ये कॉर्टेक्स और ये मेडुला, बिल्कुल। अब कॉर्टेक्स में अगर बात करें तो कॉर्टेक्स में क्या क्या हो जाएगा वो भी याद रख लेना भैया, कॉर्टेक्स में बाउमन कैप्सूल है, पीसीटी है, डीसीटी है, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट का इनिशियल पार्ट कैसे, और कलेक्टिंग डक्ट का इनिशियल पार्ट, और लूप ऑफ हेनले कहां पाई जाती है, ये मेडुला रीजन में हो जाएगी, चले आगे। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि फिल्ट्रेट के फ्लो का जो ऑर्डर है, हाँ, है ना, एग्जैक्टली, बोमन कैप्सूल, ठीक है, पीसीटी, फिर लूप ऑफ हेनले,
फिर वापस डीसीटी फिर कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, से मूव करता हो तो ये पाथवे बन जाएगा। और यही पाथवे इस रूप में भी पूछ लिया जाता है कि पहले कॉर्टेक्स फिर मेडुला, बिल्कुल, फिर वापस कॉर्टेक्स और बाद में मेडुला। अरे बोलो बोलो भैया, पहले कॉर्टेक्स फिर मेडुला फिर कॉर्टेक्स और फिर मेडुला। नो डाउट, बहुत ही अच्छा सवाल बनाया। क्वेश्चन नंबर 44 रहेगा लास्ट है, द रेनल मेडुला कंसिस्ट ऑफ कौन शेप्ड टिश्यू मासेज। स्टार्टिंग में भी स्ट्रक्चर बता दी थी आपको, और ये कौन शेप्ड टिश्यू मास क्या कहलाते हैं भैया, रेनल, क्या बोलते हैं इनको, रेनल पिरामिड्स। और ये पहले ही हमने बताया था, ये पाया कहां पर जा रहा है, ये अपनी किडनी कहलाएगी, ठीक है, इस किडनी का ये वाला पार्ट कॉर्टेक्स हो जाएगा और ये वाला पार्ट इसका मेडुला कहला जाएगा। रीनल पिरामिड का ब्रॉड पार्ट कॉर्टेक्स की ओर होता है और जो नैरो वाला पार्ट है ये किधर, मेडुला की ओर पाया जाता है, ठीक है। तो ये आज के एक्सक्रीटरी सिस्टम के 44 क्वेश्चन जो है वो हमने आपको प्रोवाइड करवाए, लगभग सारा चैप्टर इसमें कवर अप हो चुका है, फिर इसका एक पार्ट और दिया जाएगा बच्चों को, क्यों, तो शानदार रहा। इसको बहुत ही कंसेप्चुअली तरीके से पढ़ें, इन क्वेश्चन को देखें और एनसीईआरटी को भैया चार्ट डालो, क्योंकि पेपर तो पूरा किस में से आना है, एनसीईआरटी में से आना है। जितें सर इजाजत ले बच्चों से, चार्ट ना मतलब पढ़ के आ गई, एनसीईआरटी को गीला कर दो आप। ओके, थैंक यू।